हेलो दोस्तों, आई होप कि आप लोग ठीक होंगे और लॉकडाउन के छुट्टी का आप इन्जॉय कर रहे होंगे। तो जैसा कि स्टूडेंट्स, हम लोग का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ख़त्म हो गया था। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो आज हम इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम पता करते हैं व्हाट इज रिफ्रैक्शन। व्हाट इज रिफ्रैक्शन, व्हाट इज रिफ्रैक्शन। तो दोस्तों, अगर हम रिफ्रैक्शन की बात करें, जैसे हमने आप लोग को रिफ्लेक्शन में क्या बताया था, रिफ्लेक्शन में हमने बताया था कि ये हमारा कोई प्लेन मिरर है जिसके एक साइड हमने क्या किया था, इसको पेंट कर दिया था कि लाइट हमारे इस पर ना आए ना। तो उसमें हमने बताया था कि जब ये जो लाइट होता है किसी सोर्स से चलता है और जब इससे टकराता था तो उसी मीडियम में क्या हो जाता था, रिफ्लेक्ट हो जाता था ना। तो इसको हम क्या बोलते थे, रिफ्लेक्शन। क्या बोलते थे, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ना। अब हमारा क्या, लेकिन हमें अब क्या है, व्हाट इज रिफ्रैक्शन, हमें पता करना है रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन क्या होता है। तो दोस्तों, अगर हम रिफ्रैक्शन की बात करें तो इसमें होता क्या है ना कि जैसे ये सपोज कर लो हमारा कोई ग्लास है या कोई ये कुछ वाटर्स भरा हुआ, मतलब ग्लास ले ले तो उसमें वाटर डाल लेते हैं। इसमें होता है कि हमारे पास दो मीडियम होना चाहिए। सपोज कर लेते हैं हमारा है ये हमारा एक ग्लास था, इसमें हमने क्या भर लिया है, ए वाटर, हमने इसमें वाटर डाल लिया है। तो एक ऊपर का हमारा मीडियम हो जाएगा एयर और एक नीचे का हमारा मीडियम हो जाएगा ए, इसके अंदर का ये हमारा क्या है, वाटर। तो इसमें होता है क्या है फ्रेंड्स, कि जब जो हमारा लाइट है किसी सोर्स से निकलेगा ना, तो ये जब लाइट क्या होता है कि जब किसी सोर्स से निकल कर ऐसे जैसे इसके प्लेन पे पड़ता है तो क्या करता है ना, वो अपने जो इसका एक पाथ है इसको क्या कर, इससे थोड़ा सा क्या हो जाता है, रिफ्लैक्ट हो जाता है, ये रिफ्लैक्ट हो जाता है ऐसे। मतलब इसको जाना तो था ए इस तरीके से, बट वो क्या हो गया, रिफ्लैक्ट हो गया, बेंड हो गया, इसको क्या बोलेंगे, बेंड हो गया ना। तो ये इसी को हम क्या कहते हैं, जो ये जो लाइट की जो प्रॉपर्टी, इसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या हमने क्या बताया कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में क्या करेगा, इंटर करेगा, तो अपने पास से थोड़ा क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो जैसे कि आप लोग को पता है कि जो वैक्यूम होता है उसमें इस लाइट की स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸ m/s इतना होता है। बट जैसे ही ये लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में क्या होता है, इंटर करता है, तो ये इसकी जो स्पीड होती है वो हमारी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। इसकी लाइट की स्पीड क्या होती है, चेंज हो जाती है। अगर हम इसके रिफ्रैक्शन के कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात करें, जो हमारे आसपास हमेशा देखने को मिलता है, तो अगर हम किसी स्विमिंग पूल का बॉटम देखें, स्विमिंग पूल का अगर बॉटम देखें, या फिर अगर हम ये जो हम ये वाटर है ये सब मान लो, ये हमारा एक ग्लास ए कांच का ग्लास है, इसमें हमने क्या ए वाटर भर लिया और इसमें हमने क्या कर लिया, क्वाइन डाल दिया ना, इसके बॉटम पर हमने क्या रख दिया, कॉइन। तो अगर हम इसको इधर से अगर हम इसको क्या करते हैं, इसको देखते हैं, तो देखेंगे कि ये जो कॉइन्स है ना, हमें बॉटम से थोड़ा क्या होगा, उठा हुआ दिखाई देता है। क्या होता है, ये जो कॉइन्स है वो बॉटम से क्या होता है, उठा हुआ दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन क्या है, ये रिफ्रैक्शन। क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। और अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कि यही जो हमारा हो गया, एक हमने जार ले लिया और इसमें एक रॉड,
इस तरीके से एक रॉड इसमें डाल दिया, और अगर हम इधर से इसको देखेंगे रॉड को, तो ए रॉड हमें क्या होगा, ऊपर का तो सही दिखेगा, और ये नीचे का देखेंगे ना तो थोड़ा हमें क्या दिखाई देगा, बेंड हुआ दिखाई देगा, थोड़ा सा झुका हुआ दिखाई देगा, क्यों, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो आई होप कि आप लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मीन समझ गए होंगे। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में क्या करता है, इंटर करता है, तो क्या करता है अपने जो उसका जो पाथ होता है उस पाथ से थोड़ा क्या हो जाता है, बेंड हो जाता है, मतलब ये ऐसे चल के थोड़ा क्या हो जाता है, बेंड हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, लाइट की इस प्रॉपर्टीज को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब इसमें कुछ टर्म्स हैं उसको भी हम ध्यान समझ लेते हैं, जैसे ये हमने एक जार ले लिया और इसमें ने क्या भर दिया है, पूरा वाटर भर दिया है ना। तो इस होता है क्या, इसमें हमने अभी बताया रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में कि जब लाइट हमारा क्या होता है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में क्या करता है, इंटर करता है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करता है, तो क्या हो जाता है, ऐसे बेंड हो जाता है, और जब ये ऐसे निकलता है तो फिर इस तरीके से चला जाता है ना, और जो कि इसको तो चलना था ऐसे स्ट्रेट, बट ऐसा नहीं होता है, ये क्या हो जाता है, थोड़ा सा बेंड हो जाता है। तो अगर हम इस पर एक ऐसे नॉर्मल बना दें ना, तो ये जो हमारी लाइट किसी सोर्स से आ रही है इसको हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट, और ये रिफ्लेक्ट हो रहा है ना, तो इसको हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टेड। तो और ये नॉर्मल हो गया तो ये हमारा क्या हो गया, इसको जो जो ए इंसिडेंट और ए नॉर्मल, तो ये हमारा क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंट, और ये हो गया हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं साइन आई, और ये हमारा क्या होता है, साइन आर। ये हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में इसको हम पढ़े थे, बस थोड़ा सा इसमें डिफरेंट है वो हम बता आगे देखते हैं। तो हो गया, इसमें ये ध्यान रखना फ्रेंड्स कि ए जो हमारा ए और जो स्टेट होता है ना, ये तो क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, वर्चुअल होता है ना, तो इसके बीच का जो ए डिस्टेंस होता है डी, समझ में आया ना, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लेटरल डिस्टेंस, लेटरल डिस्टेंस, स्मॉल डी से इसको हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब इसमें होता है ए मर इतना हो गया ना, अब इसके आगे जो हम इसी के अकॉर्डिंग, जैसे उसमें हमने क्या पढ़ा था कि ए जब लाइट जाती है रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो हमने उसमें दो रूल्स पढ़े थे ए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के, तो इसमें भी लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के भी दो रूल्स हैं। जो अगला हमारा नेक्स्ट है क्या है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ए। तो पहला हमारा क्या हो जाएगा, ए हो गया, तो हमने बताया कि बेंड हो जाता है ना, और इसका हमने क्या कर लिया है, हमारा एक
तो ये हमारा रिफ्लेक्टेड हो गया, सॉरी इंसिडेंट हो गया, और ये क्या हो गया रिफ्लेक्टेड, ये हमारा क्या हो गया नॉर्मल, और ये आई, और ये हमारा क्या हो गया आर हो गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो सबसे पहले इसमें ये हो गया कि ए जो इसका रिफ्लेक्टेड रे है, सॉरी इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे है, और ए नॉर्मल, ये क्या होंगे तीनों जो हमारा कैसा एक ट्रांसपेरेंट है, कैसा है ट्रांसपेरेंस मीडियम में, ये तीनों एक ही पॉइंट पे क्या होंगे मिलेंगे, कौन कौन से ए रिफ्लेक्टेड रेज और इंसिडेंट और नॉर्मल, ए नॉर्मल, ये तीनों हमारे क्या होंगे एक ही पॉइंट पर, ये जो हमारा ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसपेरेंट हो तभी इस बार निकल रहा है, तो जो ट्रांसपेरेंट का पॉइंट होता है वहाँ पे सब एक जगह क्या होंगे मिलेंगे ना। और जो हमारा दूसरा होता है, दूसरा इसमें क्या होता है ना कि ए इसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है या एंगल ऑफ इंसिडेंट या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंट यानी कि साइन आई, ये क्या होता है ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, या फिर दूसरे कंडीशन में कहते हैं कि ए क्या होता है साइन आई का साइन आई रेश का और साइन आर का जो रेशियो होता है ये क्या होता है कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है साइन आई बाय साइन आर, ये क्या होता है एक कांस्टेंट होता है, इस कांस्टेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं एन से, जो इस एन को हम क्या करते हैं रिफ्रैक्टिव, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या क्या कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अगला जो हम बात करेंगे किसके बारे में बात करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब दोस्तों हम अगला हम आगे देखेंगे, हमारा नेक्स्ट जो है टॉपिक था क्या था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, तो हमने आप लोग को बताया था, हमने भी अभी क्या बताया ए कि जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता था तो वो क्या हो जाता था थोड़ा सा बैंड हो जाता था ना, और ये बैंड होता था क्यों, क्योंकि इसकी स्पीड जो थी किसकी स्पीड लाइट की स्पीड नॉर्मली कितना होता था हमने बताया 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, बट जब एक फर्स्ट मीडियम से सेकेंड मीडियम में जाता है तो इसका जो होता है क्या ये वो चेंज हो जाता है स्पीड, इसके क्या हो जाती है चेंज हो जाती है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है कि ऐसे दोनों का रेशियो किसका, इसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं एन से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपन क्या हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम, ये हो जाता है हमारा मतलब कि ये जब दोनों की स्पीड चेंज होती है, मतलब फर्स्ट मीडियम में कुछ और था सेकेंड मीडियम में कुछ और था, तो इनकी स्पीड का जो रेशियो होता है वो हमारा क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, एक इस पर डिपेंड करता है हमारे किस ए उसकी वेलोसिटी पे, लाइट की वेलोसिटी पे क्या होता है डिपेंड होता है। अब इसमें हम देखेंगे एक टर्म हमें देखने को मिलता है ए, जैसे लिखा रहता है यन टू वन और यन वन टू, तो इसका मतलब क्या होता है,
इसका मतलब होता है जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकेंड मीडियम किसके, वन के, समझ में आया ना। तो क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट किसके, फर्स्ट मीडियम। ये हो जाएगा हमारा, मतलब कि ये जो यहाँ पे अगर कहीं भी अगर ये ऐसा टर्म लिखा हुआ है N21, तो इसका मतलब हम क्या रखेंगे कि यहाँ पे जो रेशियो, ये जो हमारा रेशियो है या फिर ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उस सेकेंड मीडियम क्या है, सेकेंड मीडियम किसके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम किसके रिस्पेक्ट में रहेगा, फर्स्ट मीडियम के। और इसी तरह जो ए वाला होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम किसके एक्सेप्ट टू सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम, ये हमारा हो जाएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसके वेलोसिटी में जो चेंज होता है, इसी चेंज का जो रेशियो होता है, उस रेशियो को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। और ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है क्या होता है, अगर हमें ऐसा कहीं मिलता है, और एक चीज़ और इस ध्यान देंगे, जो अगर एक जो ऐसा होता है ना, तो इसमें जो होता है जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना, अगर पेयर में रहता है, अगर जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों का पेयर में रहता है, पेयर में होने का मतलब जैसे कि ए, जैसे यहाँ पे हमारा एक ग्लास हो जाएगा और एक हम ले इसमें वाटर ले लेते हैं, तो पूछ देगा कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा एक्सेप्ट विद वाटर के, या फिर वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा रिस्पेक्ट टू किसके, ग्लास के। मतलब ऐसे अगर पेयर के रूप में पूछेगा, तो ध्यान रखना जब भी पेयर के रूप में पूछेगा तो जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, यानी कि अगर पेयर के रूप में रहेगा तब, तो ये हमारा होता है जैसे ए अपान में कितना हो जाएगा ए, मतलब कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा पूछेगा सेकेंड से, मतलब कि अगर दूसरे में सेकेंड मीडियम का रिस्पेक्टिव ए, दूसरे मीडियम का हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछेगा फर्स्ट के रिस्पेक्ट में, तो उसका वो हमारा क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा किसके, फर्स्ट वाले के रेसिप्रोकल हो जाएगा। मतलब कि हम एक तरह से कह सकते हैं अगर हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पेयर में है तो वो हमें क्या हो जाएगा, वो जब भी किसी एक का पूछेगा तो दूसरे वाले के हम ए, दूसरे वाले के क्या होगा, वो दूसरे वाले के हमेशा क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा। अब इसमें जैसे हम मीडियम की बात करें, तो मीडियम हमारे जैसे अगर हम बात करें मीडियम, तो इसमें हमें दो मीडियम है, दो मीडियम के बारे में पढ़ना है, जानते रहें, कोई ज़रूरी नहीं है ऐसा कुछ होता है, बट एग्जाम में आएगा ऐसा कुछ नहीं, बट जानते रहेंगे। तो हमारे पास दो मीडियम है, एक हमारा होता है डेंसर और एक क्या होता है रेरर, क्या होता है डेंसर और रेरर। तो डेंसर मीडियम मतलब जब पार्टिकल्स क्या होते हैं ना, जो हमारे मीडियम में अगर उसके पार्टिकल्स पास होते हैं, समझ में आया ना, अगर हमारे पार्टिकल्स जो मीडियम के पार्टिकल अगर पास होंगे तो हमारा कौन सा होगा, ए डेंसर होगा। और अगर हमारे जो ए पार्टिकल्स हैं वो मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं, अगर वो दूर हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, रेरर हो जाएगा, डेंसर और रेरर। मतलब पार्टिकल्स पास होंगे तो रेरर और दूर होंगे, सॉरी पास होंगे तो डेंसर और दूर होंगे तो क्या हो जाएगा, रेरर हो जाएगा। अब इसमें ये हमारा एक ग्लास हो गया ए, ऊपर तो हमारा क्या रहेगा एयर होगा, और
नीचे हमारा क्या होगा, वाटर होगा। ये दो मीडियम हो गए, ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट हो गया, ये हमारा क्या हो गया, सेकेंड मीडियम हो गया। तो इसमें जब हमें हमने बताया कि जब रे ऑफ लाइट फर्स्ट मीडियम से सेकेंड मीडियम में जाता है तो ये स्ट्रेट ना जाकर क्या होता है, थोड़ा सा बेंड हो जाता है। सपोज कर लेते हैं ए इसका क्या है हमारा, ए इसका नॉर्मल है ना। तो देख हम यहाँ पे अगर हम नॉर्मल से इस दोनों का डिस्टेंस अगर देखें तो जब ए क्या होता है रेरर में देखते हैं ना, रेरर से जब इसमें डेंसर में आता है तो इसके जो ए लाइट के जो रे ए रे होते हैं ये क्या होते हैं, दूर दूर हो जाते हैं। मतलब हम क्या यहाँ पे इस तरीके से बोल सकते हैं, पहला कि ए जब हमारा एरे ऑफ लाइट किधर कैसे जाएगा, डेंसर टू रेरर या फिर रेरर टू डेंसर, चाहे क्या जैसे बोल सकते हैं रेरर टू डेंसर। जब हमारा रे ऑफ लाइट रेरर से कहाँ से किस में जाएगा, डेंसर में, तो उसमें हमारा क्या हो जाएगा, ए जो लाइट होगा हमारा बेंड हो जाएगा किसके, नॉर्मल ना। मतलब कि जब जब हमारा रे ऑफ लाइट किसमें कहाँ से, रेरर से अगर डेंसर में जाएगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्मल की तरफ क्या हो जाएगा, जो जैसे कि हमारा ए क्या था, रेरर था, अब ये डेंसर में आया तो ये देखो नॉर्मल था, ए नॉर्मल तरफ क्या हो गया, थोड़ा झुक गया ना। तो ये जैसे कि ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि जब रे ऑफ लाइट रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आएगा तो वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल की तरफ क्या हो जाएगा, झुक जाएगा। इसी तरह अगर किस हो जाएगा, डेंसर टू रेरर, किस में हो जाएगा, डेंसर टू रेरर, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि ये जो झुक ए जब किस में जा रहा है, करा रेरर डेंस, पहले तो रेरर से डेंसर में था, अब डेंसर से रेरर, तो उसमें इसका जस्ट अपोजिट होगा, उसमें क्या हो जाता था, बेंड हो जाता था, इसमें इसमें हमारा क्या हो जाएगा, ये दूर हो जाएगा, समझ में आना। यहाँ पे ये हमारा क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ये चीज दो टर्म्स ये याद रखना कि जब भी रे ऑफ लाइट एक रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा तो क्या हो जाएगा, नॉर्मल की तरफ थोड़ा सा बेंड हो जाएगा, और जब एक किस में जाएगा, डेंसर से रेरर में जाएगा तो क्या हो जाएगा, नॉर्मल से दूर हो जाएगा। अब इसके बाद जो हमारा है नेक्स्ट टॉपिक, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्फेरिकल लेंस। यहाँ से हमारा जितने भी मतलब कि मिरर थे, मिरर से रिलेटेड जितने भी टर्म्स थे वो लगभग पूरे कंप्लीट हो गए। तो अब जो हमारा नेक्स्ट है वो हमारा क्या है, स्फेरिकल लेंस। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, स्फेरिकल मिरर पढ़ रहे थे, अब हम क्या पढ़ेंगे, स्फेरिकल लेंस पढ़ेंगे। स्फेरिकल लेंस, स्फेरिकल लेंस, तो स्फेरिकल लेंस आप लोगों ने देखा होगा ना, स्फेरिकल लेंस क्या होता है, इस वो मतलब ऐसे तो ये टोटल सिक्स टाइप के होते हैं, बट हमें अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें कितने टाइप्स केवल फोकस करना है, दो, एक होता है कॉनकेव और एक क्या होता है, कॉनवेक्स होता है, एक कॉनकेव होता है और एक क्या होता है, कॉनवेक्स ना। कौन कौन सा होता है, एक होता है हमारा कॉनकेव, कॉनकेव, और दूसरा क्या होता है, कॉनवेक्स। जैसे उसमें हम लोग पढ़े थे ना, ए कॉनकेव मिरर, कॉन और कॉनवेक्स मिरर, इसमें भी हमारा क्या है, कॉनकेव लेंस है और क्या है, कॉनकेव मिरर है ना। तो अगर हम कॉनकेव लेंस की बात करेंगे तो वो क्या होता है, इस तरीके होता है, मतलब कि अगर इसका जो एंडिंग पॉइंट देखेंगे तो ए क्या होता है, तो ए जो एंडिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, ए
ठीक होता है ना, क्या इसको क्या बोलते हैं, थोड़ा जैसे कि ये इसका एंडिंग पॉइंट है, ये हमारा क्या होता है थोड़ा सा फैला हुआ होता है, समझ में आया ना, और ये क्या होता है थिन पतला होता है, और जो हमारा कॉन्वेक्स होता है ये इस तरीके से होता है, ये जस्ट इसी का अपोजिट होता है, ये जो बीच में होता है ये बीच में क्या होता है फैला होता है, उभरा हुआ होता है, समझ में आता है ना ए, और जो इन इसका इन पॉइंट है मतलब जो किनारे पर होता है वो कैसा होता है थीन होता है, ये चीज इसको जो हम इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डाइवर्जिंग, इसको हम डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस, और इसको हम क्या बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस और कन्वर्जिंग लेंस। तो ध्यान रखना जो स्फेरिकल मिरर स्फेरिकल लेंस तो कितने होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं, एक कॉनकेव लेंस और एक कॉन्वेक्स लेंस। जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो बीच में तो हमारे क्या होता है उभरा हुआ होता है, और किनारे पर क्या होता है थीन होता है, पतला होता है। बट जो कॉनकेव लेंस कॉनकेव लेंस होता है वो क्या होता है बीच में पतला होता है, और किनारों पर क्या होता है मोटा होता है। इसको हम क्या बोलते हैं कॉन्वेक्स को हम क्या बोलते हैं कन्वर्जिंग, और इसको हम क्या बोलते हैं डाइवर्जिंग। अब इसको कन्वर्जिंग और इसको डाइवर्जिंग लेंस क्यों बोलते हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखना, और जो भी चीज़ें थोड़ा ये समझ में उसको कमेंट में कर सकते कमेंट में कर में आप लिख सकते हैं, और कोशिश करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ये लाइक करिएगा इसको, अगर आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि अब रेगुलर इस पे 6 to 12 आपको जितने भी साइंस और मैथ से रिलेटेड चीज़ें हैं वो आपको हमेशा इस चैनल पर मिलती रहेंगी अप टू डेट। थैंक यू।